अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सब आमीन। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बटर पॉपकॉर्न एंड सॉल्ट पॉपकॉर्न, जो बनाने में बहुत आसान और झटपट बनने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको कैरमल पॉपकॉर्न बनाना सिखाए थे, वो भी झटपट बनने वाले थे, और ये तो उससे भी ज़्यादा जल्दी से बनने वाले हैं। तो चले चलते हैं, इसमें क्या क्या ऐड होगा। हमें मकई चाहिए हाफ प्याली, 1 पिंच हल्दी और 2 चम्मच हम बटर के ऐड करेंगे, और हाफ कप जो सा ऑयल का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत आसान है और झटपट बनने वाला है। तो आपसे एक और मैंने बात करनी थी कि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अपनी जगह पे वो आके फिर से खड़ी हों। ठीक है, चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी, ये नीचे फ्लेम फुल हाई मैंने कर दिया हुआ है, हाई फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। तो इसके अंदर हम ये डालेंगे, ये वाला चम्मच जो सा हम हाफ लेंगे, ये हाफ कप ही बनता है शीशे वाला जो सा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये वाला हाफ कप ये ऑयल का है, ये इसके अंदर वो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, ये गरम होता है तो फिर मैं इसके अंदर पॉपकॉर्न्स डालूंगी अपने। बस 4 दिन पहले हम गए थे उधर एम्पोरियम में जब वीडियोस बनाई थी, तो बस उसी की वजह से अम्मी के टांगों में मसला आ रहा, थोड़ा सा उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक होंगे तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगी। तो यहाँ पर ये हमने ऑयल हमारा हो गया गर्म, इसके अंदर मैं पॉपकॉर्न ये डालूंगी, मकई और 2 खाने के चम्मच बटर डालना है इसमें। जी ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच आपने इसमें बटर में डालने। और देखें माशाल्लाह साथ साथ हमारे बनते जा रहे हैं, और इसके साथ ही हम थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी इसमें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करके इसको फिर हम डाल देंगे। मिलते हैं आपसे 3-4 मिनट के बाद। आपने बटर ये चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और हल्दी को भी मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह कलर आ जाए। और इसके अंदर आपने नमक नहीं ऐड करना, क्योंकि मक्खन के अंदर नमक होता है तो वो नमक बहुत ज़्यादा फिर हाई हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने इसके अंदर नमक नहीं डालना। अब हमारे पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं, ये देखें, और इसको आपने साथ साथ हिलाना भी है ताकि उसके नीचे वाले जौन से पॉपकॉर्न होंगे वो भी अच्छी तरह बन जाएं। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारे बटर पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें ये। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर हम सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न बनाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारे बटर पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं, ये इसको मैंने डिश आउट कर लिया। अब सॉल्ट वाले के लिए हमें चाहिए वैसे ही हाफ कप मकई, पॉपकॉर्न जोन से होते हैं, और 2 पिंच इसमें नमक ऐड सॉल्ट ऐड होगा। ठीक है, ऑयल इसमें वैसे हमने हाफ कप डालना है, मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ये कढ़ाई रख दी मैंने ऊपर, और इसके अंदर फिर हम ऑयल डालेंगे उसमें वैसे जैसे पहले डाला था उसमें पॉपकॉर्न के अंदर, जितना हाफ कप वैसे इसमें ऐड करना आपने। ये ऐड करके उसके बाद आपने इसके अंदर 2 पिंच नमक वो ऐड कर देना, और साथ आपने मकई ऐड कर देनी है, और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह आपने इनको मिक्स करना है मकई को। जब पॉपकॉर्न बनना शुरू हो जाएंगे तो हम फिर इसको वैसे ही ढांप देंगे जैसे हमने पॉपकॉर्न पहले ढांपा था उसको अच्छी तरह। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, आपने इसको डाल के पॉपकॉर्न को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो उनसे नीचे पॉपकॉर्न होते हैं कुछ इस तरह के दाने, ये देखें हमारे पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं, कुछ दाने इस तरह के रह जाते हैं तो वो उसमें अच्छी तरह वो पक जाएंगे।
ये हमारे पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं, मैं इसको ढांपने लगी हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जब ये बन जाते हैं। व्यूवर्स आपको आवाज़ आ रही होगी पॉपकॉर्न की, बस ये रेडी होने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स ये देखेंगे हमारे सॉल्ट पॉपकॉर्न ये भी रेडी हो गए हैं, ये देखें इसमें नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको भी डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। जी व्यूवर्स ये देखें ये हमारे दोनों पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, ये बटर पॉपकॉर्न और ये सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ये अच्छी लगी होगी तो फिर आपने लाइक वगैरह शेयर कमेंट सब्सक्राइब्स अपने फैमिली फ्रेंड्स को लिंक शेयर करना है, और तहमीना को तहमीना विद किचन को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो आके अपनी जगह पे खुद खड़ी हों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।